हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके तीनों केस हम आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश कौशिक। हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के टॉपिक यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स हम गो थ्रू करेंगे और ये सारी चीज मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर पहले से आपके लिए लिख कर दे दी है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं साथ साथ। पहला टॉपिक आप यहाँ देखेंगे जो हमारा पहला केस है, किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। इसमें पहला केस है हमारा क्या, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि जब फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री की जाएंगी। पहला केस है हमारा ये। सेकेंड केस हम पढ़ेंगे क्या, व्हेन न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि जब एक नया पार्टनर आता है और वो अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाता तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी, वो सारी मैंने यहाँ लिख रखी है। थर्ड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली आ पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, यानी कि उससे जितना भी हिस्सा मंगाया गया था गुडविल का वो सारा नहीं लेकर आया, उसमें से कुछ हिस्सा, यानी कि ना आ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन कैश, यानी कि वो कुछ हिस्सा लेकर आया कैश में और कुछ हिस्सा नहीं लेकर आया। तो ये हमारा थर्ड केस। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा केस वन का, जहां पर पैसा लेकर आता था पार्टनर कैश में और जहां वो नहीं लाता था, और यहाँ पे कुछ लाया है या कुछ नहीं लाया, इन सभी को हम डिटेल में आज कवर करेंगे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके केस वन से। केस वन में दिया गया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बच्चों आपको पहले ही पता है जब एक नया पार्टनर किसी भी फॉर्म में किसी भी बिजनेस के अंदर आता है तो वो कैपिटल का भी पैसा लाता है और गुडविल का भी, यानी कि एक अच्छा जो नाम बनाया है एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, ओल्ड पार्टनर ने जो नाम बनाया है उसका भी उनके लिए क्या लाएगा, गुडविल का पैसा लाएगा एज ए कंपनसेशन के तौर पर, और कैपिटल का पैसा भी लाएगा। तो उसे कैपिटल का भी पैसा लाना है बिजनेस में और गुडविल का पैसा भी लाना है। तो गुडविल का पैसा, तो वो गुडविल का पैसा कैसे लाता है, अगर वो कैश में लाता है तो एंट्री का होगी। यहां देखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो सारी एंट्रीज यहाँ पर लिखी है इसमें मैंने अपने ए एंड बी इनको मैंने कंसीडर किया है ओल्ड पार्टनर, ए और बी को मैंने क्या कंसीडर किया है, ओल्ड पार्टनर, और सी को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है न्यू पार्टनर। उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर सारी एंट्रीज को लिखा है। तो आप यहाँ देखेंगे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कौन है, हमारा बिजनेस का नया पार्टनर है जो कैपिटल का पैसा लाया है कैश के अंदर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल, जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है और वो गुडविल का पैसा अगर लेकर आता है, तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, उसके लिए लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो कैपिटल का पैसा वो कैश में लेकर आया, जो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया नया पार्टनर, और सारा कैश यहाँ लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में। फिर हम नरेशन भी लिखेंगे बीइंग सी ब्रिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल का पैसा भी लेकर आया और गुडविल का पैसा भी लेकर आया। तो हमने ये भी सीखा जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं। इसके बाद कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, फिर क्या गुडविल का पैसा किनको मिलेगा, जिनकी वजह से बिजनेस की गुडविल बनी है, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर गुडविल क्रिएट हुई है, किनकी वजह से, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने मेहनत करी है उनकी वजह से गुडविल बनी है। अब गुडविल का पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बनाई है, ठीक है, वो पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को। क्यों मिलेगा? देखो ए और बी दो पार्टनर है, सी आया, जैसे ही सी आएगा यानी कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो हमारे ओल्ड पार्टनर को यानी कि ए को और बी को अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले वो जितना भी प्रॉफिट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वही प्रॉफिट तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि सी के आने से बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? अब ज्यादा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। ठीक है, अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो कंपनसेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे? जो नया पार्टनर है कंपनसेशन की अमाउंट एक तरह से पे करेगा गुडविल के तौर पर। ठीक है, तो ये जो पैसा आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल का जो पैसा आएगा वो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा भी किस रेशियो में मिलेगा? जिस पार्टनर ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया उसको ज्यादा मिलेगा, जिसने कम सेक्रीफाइस किया उसको कम मिलेगा। तो बेसिकली गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर में एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आप नरेशन में भी देखेंगे लिखा है बीइंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी क्रेडिटेड बाय सीज शेयर ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है ए और बी का क्रेडिट किया जाएगा, इन दोनों को पैसा मिलेगा, इनका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा बाय सीज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि सी जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा उससे ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, वो उनके अकाउंट में पैसा आएगा और वो किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट पर लिखा है इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी अगर बिजनेस से उस पैसे को ले जाना चाहते हैं, विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो यहाँ देखेंगे आप ओल्ड पार्टनर उस अमाउंट को ले जाना चाहते हैं तो एंट्री होगी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ये भी किसमें होगी? सेक्रीफाइस रेशियो में। उसके बाद दिया गया है नोट इफ एडमिटेड पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि अगर एक नया पार्टनर पार्टनर आया और अपना पैसा कैश में लेकर आया बट, यहां अंडरलाइन करेंगे बेटा, बट पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, अगर उसने पैसा कैश में लाया है, अगर वो पैसा कैश में लाया है बट उसने पेमेंट कैसे की है बेटा? प्राइवेटली। अगर कोई भी काम प्राइवेटली होता है तो उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, तो जब कभी भी प्राइवेटली पेमेंट होगी तो उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं कहीं भी होगा हमारा, नो जर्नल एंट्री इन द केस ऑफ प्राइवेटली पे टू द ओल्ड पार्टनर, यानी कि प्राइवेटली अगर वो पैसा लेकर आता है चाहे वो कैश में लेकर आए बट वो प्राइवेटली लेकर आया है तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। उसके बाद एक देखेंगे नोट सेकंड में भी लिखा था कि इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स, यानी कि गुडविल अकाउंट पहले से बेटा बना हुआ है इन द बुक्स इट शुड बी रिटन ऑफ बाय दिस एंट्री, बेटा अगर गुडविल पहले से क्रिएटेड है, अगर ओल्ड पार्टनर ने पहले से ही गुडविल बना रखी है, वो बैलेंस शीट में है आपके अकाउंट में पहले से है, तो नए पार्टनर के आने से पहले, ठीक है, अगर पहले से ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अकाउंट बना हुआ है तो किसने बनाया होगा? ओल्ड पार्टनर ने बनाया होगा, तो नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले वो उस अमाउंट को राइट ऑफ कर लेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कंफ्यूजन बच्चों का स्टार्ट हो सकते है कि सर नीचे गुडविल भी है ऊपर भी गुडविल है, दोनों के नाम अलग है, दिक्कत क्या है? बेटा दिक्कत कुछ नहीं है, अगर गुडविल पहले से बनी हुई है तो उसको सिंपल हम क्या लिखते हैं बेटा? गुडविल। अगर गुडविल पहले से बनी हुई है उसको क्या लिखते हैं? गुडविल। और अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो बेटा उसके लिए लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये बात क्लियर हुई, अगर पहले से गुडविल बेटा बनी हुई है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? सिर्फ गुडविल लिखा जाएगा। और अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है उसके लिए क्या लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, नरेशन आप लिख ही लेंगे। फिर सेकंड केस यहाँ था कि पैसा लाता है, फर्स्ट केस में अगर एक पार्टनर नया पार्टनर पैसा लेकर आता है कैश में तो एंट्रीज क्या होंगी वो हमने सीखा। सेकंड केस क्या बेटा?
व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल, बेटा अनेबल मतलब वो नहीं लेकर आ पाता अपना पैसा किसके अंदर बेटा, कैश में नहीं ला पाता। अगर एक पार्टनर यानी कि नया पार्टनर अपना पैसा कैश में नहीं लेकर आ पाता, कोई दिक्कत नहीं है, उसका पैसा कहां उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। तो पहली एंट्री तो आसान सी होगी, अगर वो पैसा किसका गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आया कोई दिक्कत नहीं, बट कैपिटल का पैसा तो उसे लाना पड़ेगा कैश में। तो यहाँ पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है सी कौन है, हमारा न्यू पार्टनर है, और ये भी क्या है, हमारे ओल्ड पार्टनर। तो वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया, बट नया पार्टनर कैपिटल का पैसा तो कैश में लाएगा ही लाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन बेटा लिखी जाएगी बीइंग सीजिंग हिज कैपिटल इन कैश, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसके करंट अकाउंट से, यानी कि जो गुडविल का पैसा अगर लेकर आ जाता तो एंट्री क्या बनती, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ये पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। बट यहाँ पर वो कैश में नहीं लाया है, नहीं लाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके करंट अकाउंट से ये पैसा डेबिट कर लिया जाएगा। जब जब उसके अकाउंट में पैसा आएगा वहां से हम उसको डेबिट कर लेंगे, तो एंट्री वही होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, या फिर उसे कह सकते हैं हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे बीइंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी क्रेडिटेड बाय सीज शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वहां पर वो पैसा कैश में लाता था तो हम क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता था, यहाँ पर उसके करंट अकाउंट से ये पैसा डेबिट कर लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें सही में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर नोट, इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर, बेटा अगर पहले से अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर, अगर पहले से अपीयर है गुडविल अकाउंट, उसको क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ किया जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में बेटा, राइट ऑफ हरदम बेटा ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है। अब केस थर्ड क्या है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली आ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन कैपिटल, यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ केस वन और टू, विच वन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ केस वन एंड टू, यानी कि वहां पर वो कुछ हिस्सा लेकर आता है कैश में और कुछ हिस्सा नहीं लेकर आता। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एक पार्टनर को हमने बोला है कि एक नए एडमिटेड पार्टनर जो हमारा हुआ है, जो हमारा एडमिट होने वाला है, यानी कि नए पार्टनर को हमने बोला जी आपको 30,000 रुपीज गुडविल के लेकर आने हैं, बेटा वो 20,000 तो लेकर आ गया, 10,000 को नहीं लेकर आया, उस केस में क्या करेंगे, तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा, क्योंकि वो गुडविल का पैसा जो कुछ पैसा है वो लेकर आया है, तो आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल का जितना पैसा लेकर आया यहाँ लिखेंगे, प्रीमियम का गुडविल का कितना पैसा लेकर आया यहाँ लिखेंगे, टोटल कैश बिजनेस में कितना आया वो यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ एंट्री क्या होगी, जो पैसा नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से बेटा डेबिट कर लिया जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों ही एंट्री हमारी बेटा किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर कौन से अमाउंट लिखी जाएगी, अमाउंट ब्रिंग, यानी कि जो पैसा वो पार्टनर की जो नया पार्टनर लेकर आया है वो कहाँ लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल में, और अमाउंट नॉट ब्रिंग, जो पैसा वो नहीं लेकर आया कैश में वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा, ठीक है। आप इस सभी को अच्छे से नोट कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।